हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग हाई फाई क्लासेस। टुडे वी आर डिस्कसिंग फोर बॉडी सेंटर क्यूबिक लेडीज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जब क्यूबिक लेडीज की बात कर रहे हैं हम, सिंपल बॉडी सेंटर क्यूबिक लेडीज की, तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो किस पर होते हैं? कॉर्नर के साथ साथ उसके सेंटर, ठीक है। तो जब सेंटर की बात आती है तो इसमें जो मैंने क्या करा है, जो क्यूबिक में जो ट्रायंगल होता है, एंगल होता है, वो होता है 90 डिग्री का। तो और एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री का। तो ये जो सेंटर वाला है वो क्या करते हैं, और जो कॉर्नर वाले हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को लेंगे। तो अब जब बात आती है तो ये जो सेंटर वाला है मैंने किसको लिया है, इसको, ये क्या है सी है और ये क्या है एफ है, ठीक। अब जो सेंटर वाला है और जो साइड वाले कॉर्नर वाले हैं, जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक। अब मुझे पता है जो स्फीयर की यहाँ पर क्या है, जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। तो यहाँ पर जो टोटल, अगर मैं जिस लेंथ की बात करूंगी, सी एफ की जो टोटल लेंथ होगी, जिसको मैंने डिनोटेड किया किससे, सी से, सी बराबर कितनी होगी, 4 आर होगी। अब मुझे सी की वैल्यू किसके टर्म में लानी है, इस ए के टर्म में लानी है, ठीक है। तो ए के टर्म में लानी है, तो मुझे पता है इसका जो एंगल्स होते हैं क्यू में, जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो मैं अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो उस जो ट्रायंगल है उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पाइथागोरस प्रमेय जो अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल क्या लूंगी, इन ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बी। तो मुझे पता है कि क्या है, इसकी जो एज लेंथ है वो कितनी है, ए है। पहले मुझे डिनोटेड कर दिया जो एज लेंथ कितनी है, ए है। तो जो ए की, ए एफ की बात, ए की बात करूं या फिर मैं ए बी की बात करूं, तो इसकी जो एज लेंथ कितनी है, ए है। और इसमें मैं क्या करूंगी, पूरे पर जो ए सी ए बी है उस पर मैं क्या कर दूंगी, पाइथागोरस प्रमेय जो अप्लाई कर दूंगी। तो जो ए सी बराबर वो भी कितनी है, ए है, और ए बी बराबर कितनी है, ए है। और मैंने इसको दे दिया है, जो बी सी है उसको मैंने दे दिया है, बी दे दिया है। पर मुझे यहाँ पर बी की वैल्यू किसकी टर्म में लेनी है, ए की टर्म में लेनी है, ठीक है। तो ए के फॉर्म में मुझे इनको कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या करा, इस पाइथागोरस प्रमेय को इस पर अप्लाई किया, तो सी बी का जो स्क्वायर है वो कितने के बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक। अब मुझे ए सी और ए बी की वैल्यू बताया कितनी है, ए स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा, ए स्क्वायर। तो सी बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2a स्क्वायर। तो सी बी बराबर क्या आ गया, रूट 2a। अब मुझे पता चल गया जो बी सी है उसकी वैल्यू अगर मैं ए की टर्म में लिखूंगी तो बी बराबर क्या है, बी बराबर है रूट 2a। तो मैं अभी बी की जगह क्या कर सकती हूँ, रूट 2a वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे इतना पता चल गया बी सी की, और मुझे बी एफ की वैल्यू पता है कितनी है, जो बी एफ की लेंथ है वो कितनी है, ए। और मुझे बी सी की भी लेंथ पता चल गई कितनी है, रूट 2a। तो अब मैं सी एफ की निकाल सकती हूँ, जो मैंने सी से डिनोटेड कर रखा है, सी बराबर कितना आएगा ए की टर्म में, ए और सी के बीच में कितना के रिलेशन होगा। तो वो क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, इसको पाइथागोरस प्रमेय फिर से अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो क्यू है उसमें जो सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं वो कितने हैं, 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल किस में देखूंगी, अब मैं सी बी एफ, सी बी एफ जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो अब मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय फिर से अप्लाई कर सकती हूँ। तो मुझे पता है कि सी बी का जो स्क्वायर है, सी बी स्क्वायर या सी एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर। तो यहां से मैं निकाल लूंगी, क्योंकि देखो सी बराबर मुझे पता है 4 आ रहा है, पर मुझे सी का क्या वैल्यू ए की फॉर्म में नहीं पता, ठीक है। एज लेंथ की फॉर्म में मुझे उसको कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि सी बी क्या है, सी बी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर सी बी की वैल्यू क्या थी, बी बी थी, तो बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या है सी का, प्लस में क्या है ए का स्क्वायर। और बी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, रूट 2a। तो यहां से मैं पुट कर दूंगी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो सी एफ स्क्वायर में नाम क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर पे तो मुझे a के स्क्वायर में निकालना था, तो कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर c बराबर क्या हो जाएगा, 3 रूट 3a। तो ये मेरा आ गया वैल्यू c का, तो c बराबर रूट 3a आ गया। यहाँ पर मैं पुट कर सकती हूँ, तो c एफ बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ, सी एफ बराबर रूट 3a 4r। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए जो एज लेंथ है और रेडियस है उसके बीच में क्या रिलेशंस है। तो उसी रिलेशंस को निकालने के लिए मैंने इतना सारा पाइथागोरस प्रमेय निकालकर सी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सी की वैल्यू मुझे पता था कि जो सेंटर है, जो सेंटर है वो जो एटम्स है वो क्या करेगा, इन दोनों कॉर्नर वाले एटम्स को क्या करेगा, टच करेगा। अब सेंटर वाला तो बिल्कुल ही बॉक्स के अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है,
तो पूरा कंट्रीब्यूशन देगा, दैट मींस उसकी जो रेडियस होगी जो पूरा की पूरा होगा, देखो आर और आर, आर आर बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब दोनों क्या कर रहे हैं, केवल रेडियस आधा ही जो कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है वो क्या कर रहा है, इस जो सेंट्रल वाले को टच कर रहे हैं। तो जो r 2r और r बराबर क्या हो गया, 4r हो गया। तो मुझे r की टर्म में तो पता चल गया था cf की वैल्यू, पर मुझे a और r के बीच में क्या करना था, रिलेशन फाइंड आउट करना था। इसीलिए मैंने क्या करा, पहले b को मैंने बदला a की फॉर्म में, एज लेंथ की फॉर्म में, फिर मैंने c को कन्वर्ट करा एज लेंथ की फॉर्म में। तो इसके बाद मैंने क्या कर लिया, c का रिलेशन किसके फॉर्म में कर लिया, तो c का रिलेशन एज लेंथ की फॉर्म में निकाला, तो क्या आ गया, c बराबर रूट थ्री a, वो कितने के बराबर आया, 4r के बराबर। तो इतना तो हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद अपन देखोगे रैंक की बात करोगे, रैंक की बात, ठीक है, रैंक जो एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल। तो जो बात होती है कि जो सेंट्रल वाला तो पूरा के पूरा यूनिट सेल के अंदर है, पूरा के पूरा उसमें अंदर ही धसा हुआ है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो फुल हो गया, दैट मींस जो एक एटम है वो पूरी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के अंदर दे रहा है। तो जो सेंट्रल वाला है वो क्या करता है, वन कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। बट जो कॉर्नर वाले होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, क्योंकि वो कितना केवल कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपने हिस्से का 8 पार्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो 1/8 इनटू में क्या हो जाएगा, 8, तो मैं बात करूंगी 1+, तो क्या आ जाएगा, 1+1 बराबर क्या आ जाएगा, 2। समझ आया। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात आती है अगर बॉडी सेंटर्ड में, तो वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे, अब हमें पता चल गया a की वैल्यू, जो a की वैल्यू इन टर्म ऑफ r की वैल्यू भी पता चल गया, तो a बराबर यहां पर क्या आ गया हमारा, a बराबर हो गया 4/√3r। तो इस वैल्यू को अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगी, जब मैं क्यूब का यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालूंगी, तो उसमें a की जगह मैं 4/√3r पुट कर दूंगी, तो a का क्यूब कर दूंगी, तो वहां से मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम अभी तक a और r के बीच में क्या है, रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं कि a बराबर क्या होता है, 4r√3 होता है, और रैंक निकाल चुके हैं कि एटम पर यूनिट कितना कितना एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इसमें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितनी इस यूनिट सेल में मिलते हैं, तो वो कितना है, 2 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शंस की बात, या पैकिंग इफिशियंसी की बात, ठीक है, इफिशियंसी है ना। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द टू स्पेयर यूनिट सेल अपॉन में क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100% निकाल, इसलिए क्योंकि हम पैकिंग इफिशियंसी बात कर रहे हैं। तो अब हम देख लें कि जब एक स्पेयर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 πr³, बट यहाँ पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पेयर बोलेंगे हम, तो वो कितनी है, 2 है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर ऑफ एटम्स की जो स्पेयर है वो कितनी है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, जो स्पेयर वॉल्यूम है स्पेयर होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 × 4/3 πr³ अपॉन में क्या आ जाएगा, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है वो कितना होगा, जो होगा एज लेंथ होगी उसी का क्यू होगा ना, तो ए का क्यू होगा। अब मैं ए के बीच में रिलेशन फाउंड आउट पहले का रखी हूँ, ए तो ए को मैं किसके टर्म में लिख लूंगी, आर के टर्म में, जिससे कि अब मेरी वैल्यू हो आर की, जो वैल्यूज हो वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएंगी और मेरा परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 × 4/3 πr³ अपॉन में कितना, ए की जगह मैं क्या रखूंगी, 4r√3 का होल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इधर मैं देखूंगी तो 8/3 πr³ अपॉन में कितना हो जाएगा, 64r³ अपॉन में 3√3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 68%। तो अगर इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटिस की बात करते हैं तो उसमें जो पैकिंग इफिशियंसी आती है वो कितनी आती है, 68% आती है। पहले मैं सिंपल क्यूबिक की बात पहले ही कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।